तो दोस्तों फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी के डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 15 दिन हो चुके हैं, यानी कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 16वां दिन है, यानी कि इस फिल्म ने अपना दूसरा हफ्ता भी बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है। तो भैया इस फिल्म का दूसरा हफ्ता कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा, चलिए इस बात की जानकारी मैं आपको देता हूं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई कल्कि ने अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआत यानी कि 9वें दिन 9,75,00,000 रुपए के बिजनेस के माध्यम से की थी। उसके बाद भी इस फिल्म को 10वें दिन जो हिंदी लैंग्वेज में कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 17,50,00,000 रुपए का। उसके बाद 11वें दिन इस फिल्म को जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 22 करोड़ का। 12वें दिन जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 6,75,00,000 रुपए का। 13वें दिन जो कलेक्शन था वो था 5,15,00,000 रुपए का। और उसके बाद 14वें दिन इस फिल्म को जो हिंदी लैंग्वेज में कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 4,30,00,000 रुपए का। और 15वें दिन इस फिल्म को जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 4,50,00,000 रुपए का। यानी इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ चुकी है कि दूसरे हफ्ते इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से 69,95,00,000 रुपए का बिजनेस मिला है। यानी 69,95,00,000 रुपए का बिजनेस इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से दूसरे हफ्ते में मिला है। और भाई दो हफ्तों के माध्यम से इस फिल्म को पूरे इंडिया से हिंदी लैंग्वेज में जो अब तक कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 233,20,00,000 रुपए का। यानी कि 233,20,00,000 रुपए का बिजनेस इस फिल्म को दो हफ्तों में हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से मिला है। वहीं पर इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि इस फिल्म को 15वें दिन ट्रेड फिगर के हिसाब से जो इंडिया में नेट कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है सभी लैंग्वेजों में 6 करोड़ का। और वहीं पर वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को जो 15वें दिन ग्रॉस कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 9 करोड़ का। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया फाइनली इस फिल्म ने ट्रेड फिगर के हिसाब से वर्ल्ड वाइड 15 दिनों में जो अब तक कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 821 करोड़ का। यानी कि भैया 821 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने 15 दिनों में ट्रेड फिगर के हिसाब से किया है। वहीं पर अगर हम लोग प्रोड्यूसर फिगर की बात करें तो भैया प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से तो इस फिल्म को लेकर यह बात बताई जा रही है कि भैया ये फिल्म 925 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। लेकिन भाई ये फिगर अब प्रोड्यूसर्स बताना बंद कर चुके हैं कि भैया इस फिल्म को प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से अब किस दिन कितने का कलेक्शन मिला जा रहा है। यानी कि भैया अब सारी चीजें छुपाई जा रही हैं जनता से, लेकिन इस फिल्म से उम्मीद तो लगाकर बैठे हैं इस फिल्म के मेकर कि भाई ये फिल्म शायद 1,000 करोड़ का बिजनेस कर ले। वैसे आप लोग को क्या लगता है, क्या कल की 1,000 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करेगी इंडियन बॉक्स ऑफिस से वर्ल्ड वाइड के साथ? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।